Hello everyone, let's start with exercise 7.1. Question number 2. It says find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. अब यहाँ पे हमारे पास 243 दिया हुआ है और 243 को आप क्या करोगे, फैक्टर्स निकालोगे सबसे पहले. तो 243 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड करो. 243 डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट 81. 81 को 3 से डिवाइड करो यू विल गेट 27. 27 को 3 से डिवाइड करो यू विल गेट 9. देन डिवाइडेड विद 3 यू विल गेट 3 एंड द लास्ट वन इज 1. अब 243 को आप कैसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो अब यहाँ पे देखो कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे. तो फैक्टर्स तीन एक पेयर तो बन रहा है, एक पेयर नहीं बन रहा पीछे से. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 टू बोथ द साइड्स. 243 इंटू 3 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब देखो पेयरिंग कंप्लीट हो गई, इसका मतलब दिस इज योर परफेक्ट क्यूब. सो इन द एंड यू कैन राइट दैट 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सो दिस इज द एंड फॉर द फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज 256. 256 के पेयर्स निकालते हैं. 256 किससे डिविजिबल होगा, 2 से. सो 256 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 128. 128 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 64. 64 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 32. 32 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 16. देन 2 अगेन 8, अगेन डिवाइडेड विद 2 यू गेट 4, अगेन 2, 2 एंड 1. अब इसके फैक्टर्स देखते हैं और चेक करते हैं कि इसके ट्रिपलेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे. तो यहाँ पे देखो कि दो ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो गए और यहाँ पे हमारा एक कम है, एक टू कम है, एक वन फैक्टर टू इज रिक्वायर्ड टू मेक अ थ्रीज ग्रुप. तो इस वजह से 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक अ परफेक्ट क्यूब. 2 must be multiplied. Let's move on to the third part. Third part is 72. So 72 को सबसे पहले factors निकालो. 72 is divisible with 2. So you get 36. 36 divisible with 2. You will get 18. 18 divisible with 2. You get 9. 9 divisible with 3, you get 3 here and 1 at the bottom. Ab 72 ko you can write it as 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Ab dekho 2 ki to pairing puri hui hui hai, 3 grouping ho rahi hai uski, 3 ki nahi ho rahi. So you have to multiply 3 to make it a perfect cube. So 3 must be multiplied. Let's move on to the fourth part. Fourth part में 675 है. So 675 किससे divisible होगा, 3 से. 675 is divisible with 3. So you get 225. 225 divisible with 3. So you get 75. 75 is again divisible with 3. So you get 25. 25 is divisible with 5. You get 5 again. So, अब यहाँ पे फैक्टर्स देखो, 3 के पूरे हैं, ट्रिपलेट बन रहा है, 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा. इसका मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. सो 5 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. लेट्स डू द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट इज 100. सो लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 100. 100 इज डिविजिबल विद 2. So you get 50. 50 is divisible with 2 again. So you get 25. 25 is divisible with 5. And 5 ending with 5. अब देखो यहाँ पे कि 2 के भी फैक्टर्स नहीं है, 5 के भी फैक्टर्स नहीं है. तो हमें 2 और 5 से दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 की पेयरिंग, 2 की पेयरिंग बनाने के लिए 2 चाहिए, 5 की पेयरिंग बनाने के लिए 5 चाहिए. तो 2 into 5 कितना हो गया, 10. So 10 must be multiplied to make it a perfect cube.
So that's your answer for question number 2. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.